नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच पर अगना खबर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तमाड़ के देवड़ी मंदिर परिसर में बसे झुग्गी झोंपड़ी को अतिक्रमण मुक्त को लेकर प्रशासन पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों से बैठक करके ही प्रशासन को अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन ने नोटिस थमा दिया और अतिक्रमण पर उतर गई। इधर नाराज ग्रामीणों ने 20 जुलाई को देवड़ी गाँव में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में बैठक किया। यहाँ सीओ आया था तो सीओ को बोले हम लोग कि हम लोग कल जैसे हम लोग को बुलाया गया था, हमने तो नोटिस किया था दुकान के लिए साइड कीजिए बोल के, तो हम लोग गए थे दुकान। हाँ, तो उसके बाद हम लोग वो हम लोग को पूछा कि ये तो गैर मजूरा आम जमीन है बोल के बोल रहा है, आप लोग के यहाँ पे कोई ई नहीं है, अधिकार नहीं है, वैसा बोल के बोल रहा है। सरकार का जमीन है, सरकार का जमीन आप लोग बनाए हैं। किस बिना ग्राम सभा के कहाँ काम शुरू होता है? कोई भी एक छोटा सा भी अगर ये काम निकलता है तो ग्राम सभा बिना ग्राम सभा के अनुमति से कोई काम नहीं होता रहे, बिना ग्राम सभा से कैसे काम हो रहा है? सरकारी जमीन है बोल रहे हैं, सरकार का है बोल के। तो देवड़ी मंदिर के यहाँ मकान तोड़ रहा था, आज हमारे राष्ट्रीय ग्राम देवड़ी में ग्राम प्रधान के अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई है। और इस बैठक में हजारों साल से हमारे ग्राम देवड़ी में जो देवड़ी दिरी के नाम से जाना जाता है, और ये देवड़ी दिरी आज दुनिया में फेमस होने जा रही है। यही कारण है कि लाखों करोड़ों साल से आदिवासी इसको सींचते आ रही है, संवरते आ रही है, लेकिन आज कहीं सरकार के कर्मचारी और प्रतिनिधि वर्ग इसमें आके इसमें अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आज ग्राम प्रधान के नेतृत्व में मीटिंग रखे। इस मीटिंग को लेकर क्या चर्चा हुआ? इस मीटिंग को लेकर यही चर्चा हुआ, अगला जो भी यहाँ जो धर्मस्थल है, इस धर्मस्थल को यहाँ जो विस्तारीकरण करना है, उसके पहले कुछ आदिवासी का रूल्स है, संविधान के अंदर जो आदिवासी का रूल्स है, जो एक्ट है, उस एक्ट के बरखिलाफ अगर सरकार काम करती है, चाहे सरकार के व्यक्ति यहाँ काम करते हैं, तो उसके बरखिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और ये काम डायरेक्ट हम किसी सीओ, बीडीओ, एसडीओ और डीसी के द्वारा करने नहीं देंगे। जब तक यहाँ ग्राम सभा के अंदर नियम नहीं बनेगा, तब तक हम किसी को यहाँ घुसने नहीं देंगे। प्रशासन क्या काम कर रही है? ऐसा हुआ, यहाँ के हमारे देवड़ी ग्राम के कुछ हमारे मुंडा भाई लोग हैं, ये मुंडा भाई लोग को सीओ साहब ने नोटिस भेजे, और सीओ साहब ने नोटिस भेजे और कहे कि नहीं, आप लोग ये अपना जो ये दुकान और झोपड़ी हटा दो। तो हम लोग सामाजिक अगुआ करता है, तो हम लोग को खबर हुआ और वो नोटिस पढ़े और हम लोग सीओ साहब के पास गए, तो सीओ साहब से हम यही कहे कि हम लोग को कुछ समय चाहिए और समय दे दीजिए, उसके बाद हम आपको हम बताएंगे क्या होगा ग्राम सभा में, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन सीओ साहब ने इस नोटिस को अस्वीकृत किया, और वहां से हमारे महिला भी थे और हमारे कुछ पुरुष भी थे, उसको अपना ऑफिस को कुछ समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो आवेदन नहीं लिया। इस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ, क्या होगा? इस मीटिंग में निर्णय यही लिया गया कि बिना ग्राम सभा का देवड़ी दिरी, और ये कहा तो अभी दिकु लोग देवड़ी मंदिर के नाम से जाने जा रहे हैं, यहाँ बिना ग्राम सभा किए हुए किसी भी प्रकार का यहाँ परिवर्तन करने नहीं दिया जाएगा। देखा, हमारे भारत के आदिवासी भारत के संविधानता के सम्मान करेला और भारत के संविधान के अनुरूप चले चाहिए, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे भारत के आदिवासी जिला के संविधान के अनुरूप चले नहीं देता है। ऐसा निश्चित चीज महान कायल यहाँ हमारे परंपरा रूढ़िवादी व्यवस्था का
के नज़रअंदाज करते हुए सीओ साहब अलय और हीरा मुंडारी खुदकटी गांव है, जबकि भिलई नौ का महान 756 एकड़ 120 मील मने मंगल मुंडा के नामे दर्ज है। तो से भीतर के जमीन का यदि हिना भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के उल्लंघन कर हिना सीओ आलो सही थे सीओ को विरोध कर। आज का बैठक में निर्णय लिया गया कि ये जो हमारा क्षेत्र है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के आधार पर ये कुटकाटी गांव है और ये पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आता है। तो ये पांचवी अनुसूची क्षेत्र में इस तरह का जो है अतिक्रमणकारी बता रहा है, जिसका जमीन है उसी को अतिक्रमणकारी बता रहा है सीओ साहब और वहाँ से बेदखल करना चाह रहा है। तो इसका आज छोटी गिरी है कि सीओ साहब को ही पूछा जाएगा, एसडीओ को भी पूछा जाएगा और डीसी को भी पूछा जाएगा, ये टीएससी का जो अध्यक्ष है अभी मुख्यमंत्री है उससे भी पूछा जाएगा, राज्यपाल से भी पूछा जाएगा कि ये जमीन मुंडारी खुटकटी क्षेत्र है कि नहीं है। अगर मुंडारी खुटकटी क्षेत्र में है तो यहाँ समता जजमेंट के 2013 के आधार पर भारत सरकार या राज्य सरकार किसी का एक इंच भी जमीन नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए पांच पर अगना खबर। नमस्कार।